आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। हाँ, आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नमस्कार दोस्तों, केकेल व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको आने वाले साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये साल आपका खुशियों से भरा रहे, आप स्वस्थ रहे और आपको भगवान की कृपा से कोई मुसीबत न आए। और जाने वाले साल के अब थोड़े ही दिन बचे हैं दोस्तों, तो इस साल में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, यही कुछ बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो आपको ये बातें ज़रूर पसंद आएगी और इस पे आप अमल जरूर। तो आपका ये साल कैसा रहा? कुछ खट्टा मीठा, कुछ कड़वाहट भरा, या कुछ हंसते गाते, या किसी से ईर्ष्या करते हुए आपका गुजरा होगा दोस्तों? तो चलो, जो हो गया सो हो गया। अब जो अपना नया साल आ रहा है 2024, हमको इसमें ऐसा क्या करना है कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे और सभी से मिलजुल कर रहें। तो इसके लिए हमको अपने एक दिनचर्या बनानी है। दिनचर्या समझते हैं आप? जो हमको दिन में जो भी कुछ किया है, घटित हुआ है, उसके बारे में सोचना। तो आजकल के ज़माने में दोस्तों, कोई कॉपी पेन डायरी तो लगा कर रखता नहीं कि शाम को उसमें क्या घटित हुआ है, दिन में क्या क्या हुआ है, वो उसमें नोट कर सकें। तो हमको अपने आने वाले साल में क्या कुछ ऐसा बनाना है कि हमारा साल बगैर किसी ईर्ष्या के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी से, देसी भाषा में कहते तू मैं ना हो किसी से। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ, आप भी मेरे को कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इसके लिए हमको क्या करना है, एक नियम बनाना है। और अगर हम उस नियम को बनाकर उसी पे अमल करेंगे तो हम अपना जो कीमती समय है उसका सही सदुपयोग कर सकेंगे और अपने जीवन को सुखीमय और बेहतरीन ढंग से जी सकेंगे। तो इसके लिए हमको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमको जो हमारे दिन में हमने जो कुछ भी किया है, तो रात को सोने से पहले दिन की जो घटनाएं हैं उसको स्मरण करना है। और रात को सोते समय जब इस बात को स्मरण करेंगे कि दिन में क्या क्या घटित हुआ है, तो वो बातें आपको एक वीडियो क्लिप की तरह आपके आंखों के सामने दिखाई देगी। इसे क्या होता दोस्तों, मान लो उदाहरण के तौर पे आप कहीं गली से गुजर रहे हैं और गली में कोई कुत्ता बैठा है और आप उसको बिना किसी कारण के उसको वहाँ से भगा दिया, उठा दिया, या उसको लाठी मारने लगे, तो ये जो बात हुई है वो आपको रात को सोने से पहले जब आप उस घटना को याद करोगे तो आपके मन में एक अजीब से बातें आएंगी कि बेचारा कुत्ता तो आराम से गली में सोता था और मैंने उसको गली से भगा दिया या उसके लाठी मारी। तो आपका मन क्या है, धीरे धीरे से वो एक अपने अलग नज़रिए से, अलग ढंग से बदलने लग जाएगा। और कुछ ही दिनों में दोस्तों देखना, आपका मन बिल्कुल बदल जाएगा और आप तरोताज़ा एक अलग से ही अपने मन में महसूस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान देना है।
अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो जो भी आप काम करोगे, कुछ भी सोचोगे, तो आप अच्छी ढंग से काम कर सकोगे। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, और सुबह जल्दी उठने के लिए शाम को आपको जल्दी सोना है, यानी तकरीबन 9-10 बजे सोना है। अगर आप 8 घंटे नींद पूरी करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, अगर 8 घंटे आप नींद पूरी नहीं कर सकते तो 6 घंटे तक आपको अच्छी तरह नींद लेनी है ताकि आप सुबह जल्दी उठ सको। और सुबह जल्दी उठने के बाद आपकी नित्यक्रम से निर्वित होकर अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान देना है, आपको व्यायाम करना है, थोड़ा 2-4 मिनट के लिए आपको इधर उधर टहलना है, हाथों को हिलाना है, जो भी व्यायाम की प्रक्रिया है वो करनी है। इसके पश्चात आपको गर्म पानी से, ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो, क्योंकि आजकल मौसम भी इसी तरह का सर्दी वाला चल रहा है, तो जिस तरह का पानी आपके शरीर पे स्टिक बैठता है उसी तरह आपको उस पानी से नहा लेना। उसके बाद आप अपने जो इष्ट देव है, आप जिस भी किसी देवी देवता को मानते हो उसकी पूजा करनी है, वो पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने काम पे लग जाइए। वो काम जैसे कि लगभग काम तो बाहर ही होता है घर से, इसलिए आपको घर से निकलने से पहले अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करने के बाद हाथ जोड़ के ही निकलना है कि हे भगवान, मैं जिस भी काम से जा रहा हूँ वो काम सफल हो और आप मुझ पे दया दृष्टि बनाए रखना। तो आपको इसी तरह के कुछ नियम बनाने हैं, और ये अगर आप नियम दोस्तों 20 से 25 दिन ऐसे लगातार करते रहोगे तो आपको ये आदत सी लग जाएगी और आप अपना जो भी काम है वो सही ढंग से कर सको। और अगली बात एक ये भी है दोस्तों कि इस धरती पे हम इंसान ही एक ऐसे प्राणी हैं जो सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, हम अपनी भी ज़रूरतें पूरे करते हैं और दूसरे अन्य जो भी जीव जंतु पशु पक्षी है उनकी ज़रूरतें सिर्फ हम इंसान ही पूरी करते हैं, क्योंकि इस धरती पे इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से हम सबकी ज़रूरतें पूरी करता है। मान लीजिए कुत्ता है या कोई और जानवर है, उसको अगर हम रोटी पानी नहीं देंगे तो वो कहाँ से पानी पिएगा, कहाँ से खाना खाएगा, तो इन जानवरों की ज़रूरतें भी हम पूरी करते हैं। और अब ठंड का मौसम आ गया दोस्तों, तो हम अपने जो घर में पालतू पशु है उनकी तो अच्छी तरह रखवाली देखभाल करते ही हैं, तो आपसे एक ये हाथ जोड़कर विनती है कि जो बाहर के पशु है जैसे गाय या कोई छोटा बछड़ा जो आवारा घूम रहा हो, या कोई छोटे जानवर जैसे कुत्ते हैं, तो सर्दियों में उनका भी कुछ बचाव कीजिए। अगर आपके पास कोई पुराना कंबल या किसी प्रकार की चादर है और आपके घर के पास कोई गाय या बछड़ा वगैरह खड़ा है तो कृपया आप उनको भी चादर से थोड़ा ढांप दीजिए ताकि उन बेचारों लावारिस जानवरों को सर्दी न लगे और जितना हो सके उतना उनका थोड़ा बहुत खाने का भी, हरे चारे का भी प्रबंध कर दे। और कुत्ते वगैरह छोटे जानवर हैं उनको भी कोई फटा पुराना कपड़ा हो जो उनको सर्दी से बचा सके, तो थोड़ा बहुत अगर उनके ऊपर डाल दिया करो। अगर वो आपसे नहीं डलवाता है, आपसे डरता है, तो आप देख लेना कि वो कुत्ता
रोज़ कहाँ बैठता है, तो कृपया उनके नीचे थोड़ा बहुत गर्म कपड़ा या कोई बोरी वगैरह भी डाल दीजिए। तो वो भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि इस इंसान को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, कभी कोई दुख दर्द ना हो। तो इसी भांति आपके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ मस्त रहोगे तभी उस कुत्ते के लिए या कोई अन्य जानवरों के लिए कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको इसी तरह अपने जीवन में ये नियमावली बना लेनी है। और एक बार फिर जाते हुए 2023 के साल को बाय बाय करते हैं, और आने वाले 2024 की आप सभी YouTube दर्शकों को मेरी तरफ और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। और आपका ये 2024 का साल खुशियों से भरा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गुलाब के फूलों की तरह मुस्कराते रहें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, और बहुत जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।